गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट मैथ्स, रिवीजन चैप्टर पार्ट टू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ओड नंबर बिटवीन 844 टू 869. अब हम पहले तो ओड नंबर क्या होता है ये जानेंगे. ओड नंबर मीन्स विषम संख्या, यानी एक, दो, एक, तीन, पाँच, सात एक्सेट्रा जो है वो ओड नंबर्स होते हैं. और ओड नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय टू आर ऑल्सो कॉल्ड ओड नंबर. नाउ ओड नंबर बिटवीन 844 के बाद 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, and 865 and 867 are the odd number between 844 to 8869. Next, write the even numbers between 701 to 723. Up, 701 से 723 के बीच में हमको इवन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. नाउ व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर मीन सम संख्या, यानी 0, 2, 4, 6, 8 आर द नंबर्स, इवन नंबर्स. द नंबर दैट डिविजिबल बाय 2 इज ऑल्सो नोन एज इवन नंबर. नाउ 701 के बाद 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, and 720 are the odd even number. Next question, how many numbers are there in all having in one digit, two digit, and three digit? So, in one digit, we all know that the numbers are formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 0. Some numbers are formed with one digit, some with two digit. So, there are 9 numbers in one digit, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So, in one digit, there are 9 numbers. Second digit, in two digit, there are 90 numbers of two digit. From 1 to 99, there are 99 numbers, out of which there are 9 one digit number. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 are one digit number. So, between 10 to 99, there are 90 two-digit number. So, 90, we can say, two-digit numbers are having 90. Now, in three-digit, there are 900 numbers of three-digit. From 101 to 999, there are 899 numbers. And 100 is also the three-digit number, so we will count 100 also. So, 899 plus equal to 900 number. So, in three-digit, there are 900. Now, question number. Write all the three-digit numbers using the following digit only once. Yahan. यानी यहाँ पर जो हमको 5, 6, 7 संख्याएं दी गई हैं उनके सारे थ्री डिजिट नंबर्स बनाने पर संख्याओं को एक ही बार काम में लेना है. जैसे 5, 6, 7, 5, 7, 6, 6, 5, 7, 6, 7, 5, 7, 5, 6 एंड 7, 6, 5. नेक्स्ट जो डिजिट हमको दी गई है 348. अब 348 से हमको बनाएंगे 348, 384, 483, 483 फिर बन जाएगा हमारा 843, 834. सो 4, 3,
8. Next question. Look at the pattern and fill in the blanks. So, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनको हमको देखते हुए उनके आगे का हमको उसकी संख्याएं लिखनी है। जैसा पहले दे रखा है 18, 20, 22, 24। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें दो डिजिट्स का डिफरेंस है। 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। 24 यहाँ आ रहा है। सो अब आगे आएगा 24 के बाद हम काउंट करेंगे 25, तो 26, 26 के बाद काउंट करेंगे 27, 28, 28 के बाद 29, 30, 30 के बाद 31 एंड 32। नेक्स्ट 15, 20, 25 एंड 30। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पांच पांच डिजिट का गैप है, तो 15, 20, 25, 30, तो 35, 40, 45 एंड 50। नेक्स्ट थर्ड 11, 16, 21 एंड 26। अब यहाँ पर 5-5 डिजिट का डिफरेंस है, जैसे 11 के बाद 16, 16, 21, 21 के बाद 26, तो 26 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आएगा 36, 36 के बाद आएगा 41 और 41 के बाद आएगा 46। नेक्स्ट 410, 414, 418 एंड 422, इनके बीच में 4-4 डिजिट्स का डिफरेंस है, 410 से 414, 418 एंड 422। नेक्स्ट हो जाएगा 426, 430, 434 एंड 438।